आज बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की। ये मेरे जो बीबीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं है हेडिंग कैपिटलाइजेशन की। इसमें दो पार्ट हैं, एक है कैपिटल, अगर हम उसको कहते हैं संधि विच्छेद करें तो कैपिटल वर्ड, और आइजेशन। आइजेशन का मतलब है एक प्रॉपर प्रोसेस। कैपिटल की नीड हर बिजनेस को पड़ती है, हर चीज को पड़ती है, ठीक। तो भाई कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस इनकमिंग और आउटगोइंग के फ्लो में हम ज्यादा इन्वेस्ट कर दें या कम इन्वेस्ट कर दें। ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो भी हमारे लिए एक हैजार्डस सिचुएशन है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ओवरफ्लो चला गया तो हमारे पास और लायबिलिटीज है, हम उन्हें मीट आउट नहीं कर पाएंगे। अगर अंडरफ्लो है तो भी हमारे लिए गड़बड़ है, क्योंकि फिर हम इस डर से नहीं हो पाएगा कि हम जो है जो हमने सोर्सेज रखे थे वो अनयूज रहेंगे और वो हमारे लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन का सिर्फ इतना सा साफ सा मतलब है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, लेकिन इस इनफ्लो और आउटफ्लो को हमें बैलेंस करना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारे लिए खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया। अब बात करते हैं इसमें, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है ओवर कैपिटलाइजेशन और दूसरा है अंडर कैपिटलाइजेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे इन वर्ड्स को देख करके कि इनका मतलब एग्जैक्टली वही होगा जो इस पर लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसकी जो कहते हैं जो एग्जैक्टली कंसेप्ट है इसका, वो जस्ट एडवर्स है। ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है कि हम इतना ज्यादा फंड फ्लो करा देते हैं यहाँ पे, हमारे पास और चीजों के लिए फंड बचता ही नहीं है। और अंडर कैपिटलाइजेशन में हम चीजों को बड़े माइजरली यानी बहुत कंजूसी की तरह अपने पैसों को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है आउटर यानी वर्ल्ड एट लास्ट में वो अच्छी नहीं बन पाती। तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन को हम इन्फ्लेशन के सेंस में भी देख सकते हैं, ठीक, हमारे पास एक्सपेंस करेंगे बचता ही नहीं, और ये डिफ्लेशन की सेंस में जा सकता है क्योंकि हमने इसमें पैसे निकाले ही नहीं। भाई अगर आपके पास पैसे बहुत है लेकिन आप उसको निकालो ही नहीं अपनी पॉकेट से, कोई बंदा कैसे जानेगा कि आपके पास पैसा अच्छा खासा है ना। सेम चीज आपके ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन से भी होता है। इसमें आपने भाई चीज हमारे बिजनेस अगर एक और यूनिट सेटअप करनी है, उसके पास पैसे ढेर सारे, लेकिन उसको ये लगता है कि हम अगर पैसे लगाए कहीं डूब ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो भाई अगर ये डर है तो फिर कभी भी आप अपनी सेकेंड यूनिट खोल नहीं सकते। लेकिन ओवर कैपिटलाइजेशन क्या, अरे शुरुआत करिए, अच्छे से प्रमोट करो बिजनेस को, बढ़िया से एकदम पैम्फलेट छपाओ, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दो, हैवी एडवर्टाइजमेंट दो, HD वीडियोस बना करके एडवर्टाइजमेंट डालो, पता चला सारे पैसे उसी में डाल दिए, सब कुछ कर दिया और बाकी के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ सकती है और यहाँ पे डिफ्लेशनरी कंडीशन आ सकती है।